Hello, my dear friends. A very good afternoon to all of you. Welcome to Online Ventures by Example. दिन के दो बज चुके हैं और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं एनसीईआरटी सीरीज के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग नाइन्थ क्लास की साइंस की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं और दूसरा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसकी ये तीसरी क्लास है, इसका पार्ट थ्री है। दो क्लासेस इस टॉपिक पे ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, आज ये लास्ट पार्ट होगा इसका। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर थ्री डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग आ जाइए हमारे साथ। अभिनव अभी जुड़ चुके हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभिनव कैसे हैं आप लोग? प्रीति कुशल जुड़ चुके हैं, स्वागत है सभी का। तो बाकी लोग भी जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि हम बिना किसी देर के अपने सेशन को शुरू कर सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आप यूपीएससी के एग्जाम्स देते हैं तो साइंस में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, क्योंकि बिल्कुल बीच बीच से क्वेश्चंस निकाल देते हैं। हमारे साथ मिहिर राय जुड़ चुके हैं, वेरी गुड आफ्टरनून टू मिहिर एंड टू ऑल ऑफ यू। तो हम अपने कुछ कोर्सेज के बारे में बता दें, हमारे साथ हरिचंदन भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है हरिचंदन आपका भी। अभी जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं वो CDS 221 के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है, किस नाम से? Aspire CDS के नाम से। ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल डिस्कस किया जाएगा, 6th to 12th है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, उसके बाद उस क्लास की PDF रिवीजन करने के लिए और प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोवाइड किए जाते हैं क्वेश्चंस। हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे फैकल्टीज जो इस कोर्स को डिलीवर करेंगे और डॉट सेशन वगैरह भी आपको दिए जाते हैं। मात्र इस कोर्स की फी है 1999 और इसका आगाज 16th of August से हो चुका है। अधिक जानकारी इस कोर्स के बारे में आप इस नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं या आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो एग्जामपुर ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग और जो फ्री की क्लासेस होती हैं उसका आप लोग लुत्फ उठाइए। उसके अलावा हमारे पास पेड बैचेस भी हैं जिनके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन देते ही रहते हैं। OTA के लिए भी हमारे पास एक बैच है, फाउंडेशन बैच, जिसमें सेम फीचर्स हैं, डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, उसके बाद उस क्लास की आपको PDF दी जाती है रिवीजन करने के लिए और फिर प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। मात्र 1499 में ये बैच है और इतने कम फी पे भारत में कहीं पे भी आपको इतने बढ़िया फैकल्टी के साथ कोई बैच आपको नहीं मिलने वाला है। इस कोर्स का भी आगाज 16th of August से हो चुका है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। तो हम लोगों ने बात कर रखी है मैटर के बारे में कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात कर लिया था कि पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक होता है प्योर और दूसरा होता है मिक्सचर। तो हम लोग मिक्सचर के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो मिक्सचर के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली हैं, एलॉयज वगैरह पढ़ रखे हैं, सोल्यूशन पढ़ रखा है, कोलोइडल सोल्यूशन पढ़ रखा है, सस्पेंशन पढ़ रखा है ना। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कोलोइड्स भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब बात होती है किसकी, तो सेपरेशन टेक्निक्स की। जैसा कि आप जानते हैं कि मिक्सचर जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो मिक्सचर में मौजूद जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग मतलब टेक्निक्स हैं, उन्हीं टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। जैसे अक्सर आपसे क्रोमैटोग्राफी के बारे में पूछ लिया गया है CDS के एग्जाम में, ये क्रोमैटोग्राफी क्या होती है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है जिसके थ्रू हम लोग पेट्रोलियम का रिफाइनिंग करते हैं, तो पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग होती है वो किस विधि द्वारा होती है, तो वो होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से के मैथड से। रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपिका ओझा जुड़ चुकी हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो जितने लोग लाइव हैं बेटर हैं। नाउ कहता है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर के विभिन्न घटकों को अलग करने की विभिन्न जो टेक्निक्स हैं, जो तकनीक है, उसके बारे में आज की क्लास है।
सो एनसीईआरटी कहता है कि वी हैव लर्न्ड दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ज्यादातर जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, वो केमिकली प्योर नहीं होते, है ना। डिफरेंट मैथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। इस मिक्सचर से डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को अलग अलग करने की बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स हैं, बहुत सारी विधियां हैं। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ये जो सेपरेशन है वो हमें क्या बताता है कि जो मिक्सचर में डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, उसके मतलब गुण क्या क्या हैं, इनके बारे में हमको पता चलेगा। फिर बोलता है कि हेटरोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाई सिंपल फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना। मिक्सचर में मौजूद जो विभिन्न उसके घटक हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम फिजिकल मेथड जैसे हैंड पिकिंग से चुनकर अलग कर सकते हैं। जैसे कि आपने आयरन फाइलिंग मिक्स कर दी है सैंड में, तो उसको हम हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं। सीविंग मतलब उसको छान कर अलग कर सकते हैं, फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। सीविंग मतलब ऐसे चलनी से अलग कर सकते हैं, छलनी से अलग कर सकते हैं, और फिल्टर करके अलग कर सकते हैं, जो हम डेली लाइफ में करते रहते हैं। लेकिन बोलता है कि सम टाइम्स कभी कभी स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। कभी कभी हम लोगों को स्पेशल तकनीक यूज करनी पड़ती है, विशेष प्रकार की तकनीक यूज करती है मिक्सचर में मौजूद विभिन्न घटकों को अलग अलग करने के लिए। उन्हीं तकनीक के बारे में हमें आज पढ़ना है। जैसे पहला है, पहली तकनीक, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू इंक, है ना। तो जो इंक है, इंक आप जानते हैं इंक क्या है, बहुत सारे डाइज का मिश्रण होता है। तो ये जो डाइज है उस इंक से हम कैसे सेपरेट करेंगे, है ना। सो हम कलर्ड कंपोनेंट को मतलब डाइज को हम इंक से कैसे सेपरेट करेंगे, उसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। उस एक्टिविटी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि फिल हाफ अ बीकर विद वाटर, एक बीकर में आधा आधा बीकर पानी लीजिए। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, यहाँ पे एक वॉच ग्लास इसके मुंह पे रख दीजिए, उससे ढक दीजिए। पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास, इस वॉच ग्लास पे कुछ ड्रॉप इंक डाल दीजिए। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर, बीकर को आप हीट करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम डायरेक्ट इंक को अगर क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा, ये जल जाएगा और उससे डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हम विभिन्न प्रकार की इसमें जो डाइज घुली हुई हैं उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सो वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली, इंक को हम डायरेक्ट हीट करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि फिर वो जो आप खूबसूरती से डिफरेंट डाइज आप निकालना चाह रहे हैं वो नहीं निकलेगा। यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस, आप देखेंगे कि यहाँ से इवेपोरेशन होना शुरू हो गया है फ्रॉम द वॉच ग्लास। वॉच ग्लास से कुछ इवेपोरेट कर रहा है, कुछ वाष्पीकृत हो रहा है। बोलता है कि कंटिन्यू हीटिंग एज इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। जब तक इवेपोरेशन हो रहा है इसको हीट करते जाइए, हीट करना छोड़ दीजिए अगर इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, और आप इसको बहुत सावधानी पूर्वक इस घटना को ऑब्जर्व कीजिए और रिकॉर्ड करिए। अब इसका आंसर क्या मिलेगा, व्हाट डू यू थिंक हैज गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास, इज देयर रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास, क्या वॉच ग्लास पे कुछ बचा है, और क्या इवेपोरेट हुआ, जो इवेपोरेट हो रहा था वो क्या था, और जो बच गया है वॉच ग्लास पे वो क्या है। What is your interpretation? आपका interpretation क्या है? Is ink is a single substance? क्या ink single substance है, मतलब pure है, या फिर एक mixture है? तो आप पाएंगे, we find that, हम लोग पाएंगे कि ink is a mixture of dye in water. Ink क्या है? Ink एक mixture है, इसका dyes का, different प्रकार के dyes हैं जो water में क्या है, घुले हुए हैं।
है ना। सो दस वी कैन सेपरेट वोलाटाइल कंपोनेंट दैट इज सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलाटाइल सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। यहां पे आपको ध्यान देना, तो इस घटना को हम इवेपोरेशन कहेंगे। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। यानी वाष्पीकरण तकनीक से हम चीजों को सेपरेट कब करेंगे? जब मिक्सचर में से एक कंपोनेंट क्या हो, वोलाटाइल हो, मतलब वाष्पशील हो, जो वाष्प बनकर उड़ने वाला हो, और एक कंपोनेंट क्या हो, सॉलिड हो। जैसे पानी में जो डाइज मौजूद है वो क्या है, सॉलिड रूप में मौजूद है। इसमें लिक्विड में, मतलब वाटर में, तो वाटर को जब हम क्या करेंगे, गर्म करना चालू करेंगे, तो वाटर इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा, बच जाएगा सॉलिड कंपोनेंट यानी डाइज। तो अगर मिक्सचर में से एक कंपोनेंट हमारा वोलाटाइल हो और दूसरा कंपोनेंट हमारा नॉन वोलाटाइल हो, तो हम कौन सा तकनीक अप्लाई करेंगे? इवेपोरेशन। क्या इवेपोरेशन तकनीक से और किन किन मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं, वो आप लोग बता दीजिए। बताइए शुभम, जल्दी बताएं। हाँ, मिहिर कह रहे हैं कि सर बच्चे लाइव आए या ना आए, बट सब्सक्राइबर सुपर साइक्लोनिक स्पीड से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, 1 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर, बहुत खूब। ये तो है बिना कोई एड वगैरह के, है ना। चलिए कुछ और और बताइए कुछ और सब्सटेंस जिसको हम इवेपोरेशन तकनीक से मतलब अलग कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इवेपोरेशन तकनीक कब अप्लाई करेंगे? जब मिक्सचर में से एक कंपोनेंट हमारा क्या हो, वोलाटाइल हो, मतलब वाष्पशील हो, जो वाष्प बनकर उड़ जाए, और दूसरा हमारा नॉन वोलाटाइल हो। जैसे हम सॉल्ट और वाटर, शुगर और वाटर, शुगर घुला हुआ है वाटर में, इन सब को हम इवेपोरेशन तकनीक से क्या कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं। जैसे सॉल्ट, ये जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, या जिसको हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, खाने वाला नमक, खाने वाला जो नमक है, समुद्र के पानी से प्राप्त किया जाता है। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, इवेपोरेशन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि साधारण नमक को समुद्र के पानी से किस तकनीक द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो उत्तर आपका हो जाएगा इवेपोरेशन। सॉल्ट एंड वाटर, मिहिर, वेरी गुड, जय हिंद शुभम जी। हम क्या करते हैं कि समुद्र के किनारे बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं, उनमें पानी इकट्ठा होता रहता है। सनलाइट क्या करता है, वाटर को इवेपोरेट कर देता है, बच जाता है कौन, सॉल्ट बच जाता है। तो समुद्र के साधारण नमक को समुद्र के पानी से वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है जी। चलिए नाउ, अब है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्रीम को मिल्क से कैसे सेपरेट करेंगे, क्रीम को मिल्क से कैसे सेपरेट करेंगे? आप जानते हैं कि मिल्क एक कोलोइडल सॉल्यूशन है या कोलोइड है ना, कोलोइडी विलयन है मिल्क। मिल्क में क्या है, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, वो उसमें घुले हुए हैं, पानी के अंदर घुले हुए हैं, तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे? नाउ अ डेज वी गेट फुल क्रीम, मार्केट में आपको फुल क्रीम, टोंड, डबल टोंड मिल्क मिलता है ना, पॉलीपैक्स, टेट्रा पैक मार्केट में। दीज वराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। जैसे आप फुल क्रीम कहते हैं, इसमें पूरा का पूरा फैट रहता है, टोंड में थोड़ा कम रहेगा, डबल टोंड में उससे भी कम रहेगा। तो ये जो डिफरेंट वराइटीज हैं मिल्क की जो मार्केट में आपको मिलती है, उसमें डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट होते हैं। अब बोलता है टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में कुछ फुल क्रीम मिल्क लेते हैं और एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसको घुमाते हैं कुछ 1-2 मिनट तक। सेंट्रीफ्यूज मशीन, वो मशीन होता है जिसके अंदर चीजों को रख कर घुमाने पर बहुत तेजी से वो घूमता है। इफ सेंट्रीफ्यूज मशीन इज नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, अगर स्कूल में सेंट्रीफ्यूज मशीन नहीं है, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग मिल्क चर्नर यूजिंग इन द किचन। किचन में जो मिल्क चर्नर होता है उसका भी यूज करके घुमा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव में क्या करते हैं, दही को इस तरह से घुमाते हैं तो
क्रीम क्या हो जाता है, सारा सेपरेट हो जाता है। तो ये गांव का सेंट्रीफ्यूज है समझ लो। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होता है वो समझ लो कि क्या करते हैं, उसमें हम चीजों को तेजी से घुमाते हैं, जिस तरह से मिल्क को चर्न किया जाता है, आपने देखा होगा गांव देहात में दही को क्या करते हैं, चर्न करते हैं, तो क्रीम उससे सेपरेट हो जाता है। अगर आपके आसपास डेयरी है तो वहां पे जाकर आप देख सकते हैं कि मिल्क से क्रीम को कैसे सेपरेट किया जाता है और पनीर कैसे बनाया जाता है, चीज कैसे बनाया जाता है। सो अब आंसर करने की बारी है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क। मिल्क जब चर्न करते हैं तो क्या होता है, क्या आपने देखा होगा कि मिल्क को जब चर्न करेंगे तो ये जो फैट है वो साइड में क्या होगा, लग जाएगा, साइड में क्या हो जाएगा, सारा का सारा फैट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी चीज को किसी सेंट्रीफ्यूज में घुमाते हैं बहुत तेजी से, तो जो लाइटर पार्टिकल्स है ना वो सेंटर से दूर जाता है और जो हेवियर पार्टिकल है वो सेंटर की तरफ आता है। तो आप जानते हैं कि दूध में जो फैट है वो सबसे हल्का होता है, ये फैट क्या होगा साइड साइड किनारों में ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा और फिर इसको हम क्या करेंगे, हाथ से अलग कर लेंगे। सो समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जैसे फैट है, आर वेरी स्मॉल एंड पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर। किसी लिक्विड में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से भी गुजर जाते हैं। तो आप इसको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। सो बोलते हैं द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाई सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से हम किसको अलग करेंगे, यानी कोई सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में घुला हुआ है और वो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो फिल्टर पेपर से क्रॉस कर जा रहे हैं, तब हम अप्लाई करेंगे क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका प्रिंसिपल क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन का, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखना है। द प्रिंसिपल इज दैट, क्या सिद्धांत है इसका, द डेंसर पार्टिकल, जो घने पदार्थ होंगे, जो ज्यादा वेट वाले पदार्थ होंगे, आर फोर्स टू द बॉटम, बॉटम की तरफ आएंगे, एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट टॉप, वो टॉप में आएंगे, है ना, रैपिडली अगर हम उसको घुमाते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन पे कौन कौन से मशीन काम करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से हम किसको अलग कर सकते हैं, मिल्क से क्रीम को अलग कर सकते हैं, मिल्क से क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं, किस विधि के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन विधि के द्वारा। और बता दो आप लोग कुछ एग्जाम्पल, जो कपड़ा सुखाने वाली मशीन है वो सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत पे काम करती है। जब हम घुमाते हैं कपड़े को तो क्या होता है कि वाटर बाहर निकलते चले जाते हैं। तो जो वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत पे काम करता है। तीसरा, ब्लड वगैरह का जो हम टेस्ट करते हैं, ब्लड वगैरह का जो टेस्ट करते हैं लैब में, उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सो एप्लीकेशन देख लो, इट इज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैब फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड और यूरिन के टेस्ट में हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसमें ब्लड और यूरिन को घुमाया जाता है। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। मिल्क से क्रीम को, है ना, क्रीम से बटर को सेपरेट करने के लिए। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर होना चाहिए सबको। हर गोविंद कह रहे कि हिंदी में भी पढ़ाइए सर, ठीक है हिंदी में भी ले आएंगे, वैसे हिंदी में बताता जा रहा हूं, हिंदी स्लाइड चाहिए तो वो भी ऐड कर दूंगा, क्लियर है। चलो अब आ जाइए, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिक्सिबल लिक्विड। दो लिक्विड है लेकिन दोनों लिक्विड आपस में घुले हुए नहीं है, मिक्स नहीं किए हुए हैं, तो हम किस तकनीक से अप्लाई करेंगे उसको, हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। जैसे आपका केरोसिन ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स है, इसको हम किस तकनीक से अलग करेंगे, तो वो तकनीक है हमारा सेपरेशन, सेपरेटिंग फिनेल का तकनीक, है ना, कि हम क्या करेंगे, पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल है, उसमें हम इसको डाल देंगे, ठीक है। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए इसे हम छोड़ देंगे,
तो आप देखिएगा कि दो लेयर बन जाएगा बिल्कुल अलग अलग। वाटर भारी होता है तो वाटर नीचे आ जाएगा और केरोसिन ऊपर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम धीरे से खोलेंगे, इसके स्टॉप कॉक को हम धीरे से खोलेंगे, तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा, वाटर आएगा। ये वाटर सारा का सारा हम कलेक्ट करते जाएंगे। जैसे ही सारा वाटर निकल आएगा, ये केरोसिन ऑयल नीचे आएगा। जैसे ही केरोसिन ऑयल आना शुरू हो जाएगा, इसको हम बंद कर देंगे, इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। तो दो इमिक्सिबल लिक्विड को हम किस मेथड से अप्लाई करेंगे, सेपरेटिंग फनेल मेथड से सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे तो पानी जो है वो नीचे आ जाएगा, और फिर जैसे ही मतलब केरोसिन तेल यहाँ पे पहुंचेगा, इसको जस्ट हम बंद कर देंगे, ये अलग अलग हो जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली, क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक। जैसे ही ऑयल स्टॉप कॉक के पास आएगा, इसको हम सेपरेट कर देंगे, अलग हो जाएगा। एप्लीकेशन, हम इस मेथड से किसको सेपरेट करेंगे, तो टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को इस तकनीक द्वारा हम सेपरेट करते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयरन को इसके ओर से हम अलग कर सकते हैं। द लाइटर स्लैग, आपने देखा होगा कि आयरन को भट्टी में हम हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, स्लैग बन जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाई द मैथड ऑफ मैथड टू द लीव द मॉल्टेन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। द प्रिंसिपल इज दैट इमिक्सिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, है ना, अपने डेंसिटी के आधार पे वो लेयर बना लेता है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे आएगी, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा। तो अलग अलग लेयर में ये लिक्विड्स आ जाएंगे, ये इसका तकनीक है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। अब आप मुझे ये बता दो कि मिक्सचर है हमारा सॉल्ट का और कैम्फर का, इसको हम किस तकनीक से सेपरेट करेंगे। तकनीक का नाम बता दो, शायद आपको पता होगा। यह अमोनियम क्लोराइड है और सॉल्ट है, उसको कैसे अलग करेंगे। अमोनियम क्लोराइड है और सैंड है, उस मिक्सचर को हम कैसे अलग करेंगे, बताइए। सॉल्ट एंड कैम्फर को किस तकनीक से अलग करेंगे, बताइए। तो मेथड हमारा होगा सब्लिमेशन। क्या होगा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो अगर किसी सॉलिड को हीट करने पर वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किए हुए, तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। तो दो सॉलिड में से एक सॉलिड क्या हो, सब्लिमेशन शो कर रहा हो अगर, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक चाइना डिश में लिया और इसको हीट करना चालू किया। इसमें क्या रख दिया हमने, मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट, सॉल्ट और कैम्फर का मिक्सचर रख दिया। आप देखिएगा कि जो कैम्फर है वो सब्लिमेशन शो करता है। आपको मैंने क्या क्या बताया था, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, कपूर, कैम्फर, आयोडीन, है ना, ड्राई आइस, नैप्थिलीन के बॉल्स, आपने देखा होगा नैप्थिलीन के बॉल्स वॉशरूम वगैरह में रखे रहते हैं, ये सब सब्लिमेशन शो करते हैं। इसको छोड़ दीजिएगा हवा में, उड़ जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा। तो जब आप इसको हीट करना शुरू करेंगे तो सारा का सारा कैम्फर जो है वो गैस बन के उड़ जाएगा, खत्म हो गया, बचेगा कौन, आपका सैंड बच जाएगा। So, बोलते हैं कि वी हैव लर्नड इन चैप्टर वन दैट कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। कैम्फर को हीट करेंगे तो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन्स सब्लिमेट वोलाटाइल कॉम्पोनेंट, यानी एक ऐसा मिक्सचर जिसमें एक कॉम्पोनेंट सब्लिमेशन शो कर रहा हो और दूसरा सब्लिमेशन शो नहीं कर रहा हो, तो हम किस तकनीक से अलग करेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस से उसको हम अलग कर लेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन शो करते हैं, नैप्थिलीन के बॉल एंथ्रासीन सब्लिमेशन शो करते हैं, ड्राई आइस, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सब के सब सब्लिमेशन की प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं।
तो पूछ लिया जाए कि कौन कौन से पदार्थ सब्लिमेशन शो करते हैं, तो बोलिएगा अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, नैप्थिलीन, एंथ्रासीन, आयोडीन, कैम्फर, ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब शुष्क बर्फ। सॉलिड CO2 को हम क्या कहते हैं? सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं। तो मिक्सचर में से एक कंपोनेंट सब्लिमेशन अगर शो कर रहा है ना, तो हम सब्लिमेशन प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट तकनीक है हमारा क्रोमैटोग्राफी तकनीक। ये बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि ये क्रोमैटोग्राफी तकनीक क्या होती है। अब देखो, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? ब्लैंक इंक में जो डाई है वो क्या एक सिंगल कलर है? ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको एक्टिविटी 2.7 करना पड़ेगा। फिल्टर पेपर का एक थिन स्ट्रिप काट लीजिए, फिल्टर पेपर से इस तरह से एक थिन स्ट्रिप काट लीजिए, और एक पेंसिल का दाग, एक पेंसिल की लाइन ऐसे खींच लीजिए लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर, और यहाँ पर एक क्रॉस लगा दीजिए, और एक ड्रॉप इंक का यहाँ पे डाल दीजिए, एक ड्रॉप इंक का यहाँ पे डाल दीजिए जहां पे आपने क्या लगाया था, क्रॉस लगाया था। और फिर क्या करें, इसको एक बीकर लीजिए, एक जार लीजिए, उसमें वाटर लीजिए और इसमें डुबा दीजिए, इसको इसमें डुबा दीजिए। तो ये क्या होगा, और ध्यान ये रखिए कि ये जहां पे आपने इंक डाला है वो थोड़ा पानी के ऊपर रहे, उसको पानी में डुबाना नहीं, ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जहां पे आपने इंक डाल दिया, जैसे मान लिया कि ये आपने क्या लिया है, फिल्टर पेपर का एक टुकड़ा लिया है और यहाँ पे आपने एक लाइन बना दी थी और यहाँ पे आपने इंक डाला है। अब इस इंक को वाटर में हमें इस तरह से डालना है कि ये इंक जो है वो ऊपर रहे पानी के, है ना। तो क्या होगा कि ये फिल्टर पेपर क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो आप जानते हैं कि जो इंक है उसमें बहुत सारे डाइज घुले होते हैं, वो एक सिंगल डाई नहीं होता। ब्लैंक इंक में बहुत सारे डाइज होते हैं और सब डाइज का वाटर में सॉलिबिलिटी अलग अलग होती है। कुछ वाटर में बहुत जल्दी घुल जाते हैं, ज्यादा घुलनशील होते हैं वो, और कुछ कम घुलनशील होते हैं। तो ये वाटर जैसे ही ऊपर चलेगा, यहाँ तक इंक तक पहुंचेगा, इंक तक पहुंचेगा, तो इस इंक में मौजूद वो डाई जो वाटर में जल्दी घुलते हैं ये पूरा ऊपर आएगा जल्दी सोखता हुआ, और सबसे पहले एक स्ट्रिप यहाँ पे, एक धब्बा यहाँ पे बनेगा। उसके नीचे वो डाई का धब्बा बनेगा जो थोड़ा कम घुलनशील था पानी में, उससे कम घुलनशील, उससे कम घुलनशील, इस तरह से अलग अलग कलर का आपको इस तरह से पैटर्न मिल जाएगा, धब्बा मिल जाएगा। यही है ये क्रोमैटोग्राफी तकनीक। तो क्रोमैटोग्राफी तकनीक से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह में क्रोमैटोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है कि ब्लड में जो डाइज है, सॉरी ब्लड में जो ड्रग्स वगैरह हैं वो अलग अलग, उनकी सॉलिबिलिटी होती है, तो वो अलग अलग आपको स्ट्रिप में दिखाई देंगे, ठीक है। तो जब वाटर ऊपर जाएगा फिल्टर पेपर पे तो आपको रिकॉर्ड करना है अपना ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड करना है। क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स ऑन द फिल्टर पेपर? क्या फिल्टर पेपर के स्ट्रिप पर आपको डिफरेंट कलर मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। What according to you can be reason for the rise of colored spot on the paper? Color spot का क्या कारण है? क्योंकि अलग अलग डाइज की वाटर में सॉलिबिलिटी अलग अलग होगी, तो जो जल ज्यादा घुलनशील होगा वो पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद कम वाला, उसके बाद कम वाला, इस तरह से अलग अलग आपको स्पॉट मिलेंगे। सो द इंक डैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट। इंक में क्या होता है? वाटर सॉल्वेंट के रूप में होता है और इसमें घुले होते हैं डाइज, एंड द डाइज इज सॉलिबल इन इट, इसमें डाइज घुले होते हैं। एज द वॉटर राइजेज, जैसे जैसे वॉटर फिल्टर पेपर में ऊपर चढ़ेगा, है ना, ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद द डाइज पार्टिकल्स, ये डाइज पार्टिकल को ऊपर लेता चला जाएगा। यूजली अ डाई इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स। डाइज क्या होते हैं? दो या दो कलर के मिक्सचर होते हैं। The colored component that is more soluble in water rises faster, वो जल्दी से ऊपर जाएंगे, and in this way the colors get separated, कलर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जो ज्यादा soluble है वो ऊपर जाएगा,
उससे कम सॉल्युबल वाला नीचे वाला में आकर रुक जाएगा, उससे कम उसके नीचे, उससे कम उसके नीचे। इस तरह से डाइज में जो डिफरेंट कलर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसी को हम क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। मुझे लगता है कि क्रोमैटोग्राफी अब आपको समझ में आ गया होगा, और ये पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी ही समझा सकता है, दूसरी बुक में समझना मुश्किल है। लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको धैर्य चाहिए होता है, हड़बड़ाओगे समझ में नहीं आएगा। सो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी, इस तकनीक को हम क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। तो क्रोमा का मतलब क्या होता है ग्रीक में? ग्रीक में क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर, है ना। सो दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेटिंग ऑफ कलर्स, सो दिस नेम वॉज गिवेन क्रोमैटोग्राफी। इस तकनीक का इस्तेमाल कलर्स को अलग करने के लिए किया गया था, सो तकनीक का नाम ही रख दिया गया क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। सेम सॉल्वेंट में बहुत डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट घुले हुए हैं, सेम सॉल्वेंट में डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट घुले हुए हैं, उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्रोमैटोग्राफी का यूज करते हैं। इस पॉइंट को याद रखना कि क्रोमैटोग्राफी तकनीक का यूज हम कब करेंगे, व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स आर डिसॉल्वड इन सेम सॉल्वेंट। सो क्रोमैटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्वड इन द सेम सॉल्वेंट। सेम सॉल्वेंट में ढेर सारे सॉल्यूट मिक्स्ड हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यूअर टेक्निक्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड। अब तो बहुत सारे क्रोमैटोग्राफी के तकनीक डेवलप हो गए हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है क्या, यही क्रोमैटोग्राफी। पेपर क्रोमैटोग्राफी के बारे में आपको पढ़ना है। अब एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप क्रोमैटोग्राफी तकनीक के हेल्प से कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं, डाइज में मौजूद डिफरेंट कलर्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। आप जो नेचुरल कलर्स हैं, नेचुरल कलर्स जो हैं, उससे पिगमेंट को आप निकाल सकते हैं, ब्लड से ड्रग को निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ब्लड में कौन सा ड्रग है ना, किसी ने कुछ विषैला पदार्थ खा लिया है तो आप टेस्ट कर सकते हैं कि वो जहर कौन सा है, सांप काट लिया है तो वो जहर कौन सा है, आप इस तकनीक से अलग कर सकते हैं, है ना, पता कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमैटोग्राफी। अब देखो, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड, दो लिक्विड जो मिक्स हो सकते हैं उससे हम कैसे अलग करेंगे। जैसे हमने क्या मिला दिया, जैसे हमने एल्कोहल और वाटर को मिक्स कर दिया, एसीटोन और वाटर को मिक्स कर दिया, तो ये दोनों घुल जाने वाले हैं, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। अल्कोहल को वाटर में मिलाओगे तो दोनों मिक्स हो जाएगा। तो दो लिक्विड जो आपस में घुल जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, उसको हम किस तकनीक से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो वो है आपका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम ऐसे दो लिक्विड को अलग कर सकते हैं जो एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो जाते हों, घुल जाते हैं। तो ये हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेंगे, यहाँ पे क्लैंप होगा, यहाँ पे थर्मोमीटर डाल देते हैं जो टेम्परेचर को आपको शो करता रहेगा, और यहाँ पे ये वाटर आउटलेट है, ये क्लैंप है, ये वाटर कंडेंसर है आपका, ये पूरा वाटर कंडेंसर है, यहाँ से कोल्ड वाटर आप दे सकते हैं ताकि ये कंडेंस हो सके। अब देखो, इस तकनीक का अप्लाई हम तभी करेंगे जब दोनों लिक्विड के बॉयलिंग पॉइंट में क्या हो, काफ़ी डिफरेंस हो। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस हम कब अप्लाई करेंगे, जब दो लिक्विड क्या हो, एक दूसरे में बिल्कुल घुले हुए हो और दोनों के बॉयलिंग पॉइंट में अंतर हो। तो हम क्या करेंगे, जैसे वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सी पे, लेकिन एसीटोन इसमें मिक्स्ड है तो वो पहले ही बॉयल कर जाएगा। तो ये वाटर को हम बॉयल करना चालू करेंगे, तो मान लिया कि ये 78 डिग्री सी पे ये बॉयल करने लगा, तो ये 78 पे अलग हो जाएगा सारा का सारा, कंडेंस होकर यहाँ पे आपको मिल जाएगा एसीटोन, वाटर इसी में रह जाएगा, ठीक है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इट इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सिबल लिक्विड दैट बॉयल्स विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशियंट डिफरेंस इन देयर बॉयलिंग पॉइंट। दो लिक्विड मिक्स है और इनके बॉयलिंग पॉइंट में अगर अंतर है बहुत ज्यादा,
तभी हम इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी का हायर मेथड है क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दो से ज्यादा अगर लिक्विड मिक्स हैं किसी मिक्सचर में तो हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फंडा क्या है कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग आपको कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते जाएंगे। जैसे पेट्रोलियम की अगर हम बात करते हैं, तो पेट्रोलियम बहुत सारे लिक्विड का मिक्सचर होता है। यहीं से आपको मिलता है केरोसिन ऑयल, यहीं से आपको मिलता है पेट्रोलियम गैस, यहीं से मिलता है आपको पैराफिन वैक्स, यहीं से मिलता है आपको डीजल, है ना। तो हम क्या करते हैं कि पेट्रोलियम को एक फर्नेस में हीट करना चालू करते हैं, एक भट्टी में हीट करना चालू करते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर पे, मान लिया कि केरोसिन का 20 डिग्री सी पे है, हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है, तो ये 20 डिग्री सी जैसे हीट पे पहुंचेगा केरोसिन अलग हो जाएगा, पेट्रोलियम गैस कुछ अलग टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सो बोलता है कि टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। इनके टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, 25 केल्विन से कम है, तब हम अप्लाई करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, एयर से डिफरेंट गैसेस आपको निकालना है तो हम किस तकनीक का यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग भी किस प्रोसेस से की जाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और जो एपरेटस यूज करते हैं उसमें हम सिंपल सा ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मतलब सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप लैब में देख सकते हैं। इसमें एक फ्लास्क होगा, एक कंडेंसर होगा और यहाँ पे हम हीट करना चालू करेंगे, थर्मोमीटर से हम देखते रहेंगे टेम्परेचर, ठीक है। चलिए तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कब यूज करेंगे, जब एक लिक्विड में ढेर सारे कंपोनेंट्स क्या हों, मिक्स हों और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है। इस विधि द्वारा हम किसको किसको अलग कर सकते हैं, एयर में मौजूद जो डिफरेंट गैसेस हैं उसको अलग कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन निकालना है उसको अलग कर सकते हैं, नाइट्रोजन को अलग कर सकते हैं हम, पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग है, शोधन जो पेट्रोलियम का है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए तो ये एयर को सेपरेट करने का अलग अलग जो मेथड था वो था। हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, प्योर कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैंपल से हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है, जैसे मैंने बताया था कि कॉमन सॉल्ट को सी वाटर से हम इवेपोरेशन प्रोसेस से अलग करते हैं, लेकिन उसका जो शुद्धिकरण है वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। सो बोलता है कि द क्रिस्टलाइजेशन रवाकरण मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड्स, सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मेनी इम्प्योरिटीज इन इट, सी वाटर से जो सॉल्ट आपको मिलता है उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं। इस इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेंड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, तो बोलिएगा इवेपोरेशन। साधारण नमक को समुद्र के पानी से किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इवेपोरेशन। लेकिन कॉमन सॉल्ट का जो प्यूरिफिकेशन है वो किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन, रवाकरण। तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फॉर्म अ सॉल्यूशन, क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे कि आपको मैंने बताया था कि समुद्र के किनारे बड़े बड़े गड्ढे बना देंगे, लहरों से इनमें पानी इकट्ठा होता रहेगा और सनलाइट इस वाटर को इवेपोरेट कर देगा, बचेगा क्या, बचेगा सॉल्ट। अब इस सॉल्ट को लाएंगे इंडस्ट्री में और इसका एक गर्म गाढ़ा घोल तैयार करेंगे, हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार करेंगे और इसको धीरे धीरे हम ठंडा करेंगे।
तो क्या होगा कि जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर गेन कर लेंगे, दानेदार शक्ल इख्तियार कर लेंगे। आप जानते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो इम्प्योर होते हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं बन पाते। तो मान लिया कि जो मतलब हमने नमक लाया है उसमें ढेर सारी इम्प्योरिटीज हैं, उनमें से जो प्योर सब्सटेंस होगा वो क्रिस्टल बना लेगा, जो नमक है वो क्रिस्टल बना लेगा, दानेदार रचना बना लेगा, और जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठी रह जाएंगी। सो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से बहुत बढ़िया तकनीक है क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है? ये दो बातें याद रखिएगा, कॉमन सॉल्ट को प्राप्त कैसे करते हैं इवेपोरेशन से, लेकिन उसको हम अलग कैसे करते हैं, प्यूरिफाई कैसे करते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा। एप्लीकेशन देखिए, क्रिस्टलाइजेशन का एप्लीकेशन हम मतलब समुद्र के पानी से नमक को निकालने में करते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम एल्युमिनियम, एलम मतलब फिटकरी, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, फिटकरी को हम क्या करते हैं उसके इम्प्योर सैंपल से प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है जी, चलिए तो ये आपका सेपरेशन टेक्निक हो गई। अब एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, और ये प्रक्रिया जो है वो रिवर्सिबल होती है, ये प्रक्रिया जो है वो रिवर्सिबल होती है। जैसे वाटर का आइस में कन्वर्ट हो जाना, आइस का वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना। उल्टा देख लीजिए, वाटर वेपर का किस में कन्वर्ट हो जाना, आइस, आइस को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर, वाटर को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर वेपर। तो ये सब फिजिकल चेंजेस हैं, कोई नई चीज नहीं बन रही है। वाटर वेपर को कंडेंस करेंगे फिर से बन जाएगा वाटर, और वाटर को और ठंडा करेंगे फिर से बन जाएगा आइस। तो आइस से वाटर का बनना, वाटर से वाटर वेपर का बनना, वाटर वेपर का बनना, वाटर वेपर से दोबारा वाटर का, और फिर वाटर से आइस का बनना, ये सब फिजिकल चेंजेस, कोई नई चीज नहीं बन रही है और ये रिवर्सिबल होगा। आइस से वाटर, वाटर से आइस बन सकता है। कागज का फाड़ देना, ग्लास का टूट जाना, कपड़े का सूखना, ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं। क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं। लेकिन केमिकल चेंजेस वो प्रोसेस होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं और जिसमें नई चीज बन जाती है। जैसे मिल्क से कर्ड का बन जाना, दूध से दही का बन जाना, कागज को जला देना, लकड़ी को जला देना, ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस हैं। तो सिंपल याद रखिएगा, फिजिकल वो होगा जो रिवर्सिबल होगा, जिसमें कोई चीज नहीं, नई चीज नहीं बनेगी, और केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होंगे जो इरिवर्सिबल होगा, जिसमें कोई नई चीज बन जाती है। मिल्क से कर्ड बन गया, आप कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल हो गया, तो बर्निंग ऑफ कैंडल के दौरान फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस हो रहे होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों होते हैं। पहले क्या हो रहा है, वैक्स पिघल रहा है, तो मोम का पिघलना क्या है, फिजिकल चेंजेस है, और तब वो जल रहा है, केमिकल चेंजेस। समझ में आ रहा है? अब आ जाइए एलिमेंट पे, एलिमेंट यानी तत्व पे। तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर अगर कोई चीज बना हुआ है तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं, और एलिमेंट जाहिर सी बात है प्योर सब्सटेंस होगा। जैसे मैं कहूं कि ये आयरन का तत्व है, मतलब इसमें आयरन के एटम होंगे। मैं कहूं कि ये कॉपर का एलिमेंट है, कॉपर का तत्व है। अगर मैं कहूं कि ये कॉपर का एलिमेंट है, मतलब इसमें सिर्फ कॉपर का एलिमेंट है, तो कहेंगे सिर्फ कॉपर के एटम होंगे। तो वो पदार्थ जो एक केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और एलिमेंट तीन तरह के होते हैं, आपको पता होगा, मेटल्स,
नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, और मेटलॉइड्स जिसके बारे में हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स में अलग से पढ़ेंगे। तो एलिमेंट जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन? मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो हम एलिमेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो पदार्थ जिसको किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा और ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप आयरन के एलिमेंट की बात करो तो सिर्फ इसमें आयरन के एटम है, तो इसको अगर हम तोड़ दें तो सिर्फ आपको एक ही चीज मिलेगा ना, सिर्फ आयरन के एटम ही मिलेंगे, तो ये ज्यादा और सिंपल हम इसे नहीं कर सकते। सो रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट। ये जो टर्म एलिमेंट है इसको सबसे पहले किसने यूज किया था? रॉबर्ट बॉयल ने। लेवोजियर एक फ्रेंच केमिस्ट थे, वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले एलिमेंट की डेफिनेशन देने वाले कौन थे? लेवोजियर साहब थे, इस बात को भी याद रखिएगा। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। किसी मैटर का बेसिक फॉर्म होता है एलिमेंट, डेट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटेंस बाई केमिकल रिएक्शन। यानी वह पदार्थ जिसको किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा और ज्यादा सरल नहीं बनाया जा सकता वो एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट एक ही प्रकार के एटम से, परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और एलिमेंट होते हैं तीन तरह के, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल के कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो मेटल्स लस्चर होते हैं, लस्चरस होते हैं, शाइनी होते हैं, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, दे आर डक्टाइल यानी हम इन्हें वायर में खींच सकते हैं, दे आर मैलिएबल मतलब इसको पीटने पर ये चादर में बदल जाएंगे, दे आर सोनोरस मतलब इसको मतलब पीटने पर रिंगिंग साउंड मतलब मीठा साउंड उत्पन्न करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लो, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, और मरकरी ओनली मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। लिक्विड मेटल कौन है? तो मरकरी हो गया आपका, ठीक है जी। नॉन मेटल्स की अगर बात करें, नॉन मेटल्स आर यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स में मिलेंगे, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट लस्चरस, सोनोरस और मैलिएबल, ना तो मैलिएबल होंगे, ना लस्चरस होंगे, ना मतलब सोनोरस होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल और कोक के फॉर्म में होता है, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसको हम मेटलॉइड कहेंगे। मेटलॉइड क्या होंगे? मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी वाले पदार्थ होंगे, एलिमेंट होंगे, जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। अभी तक कितने एलिमेंट्स नोन है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। 92 एलिमेंट्स इसमें नेचुरली अक्रिंग है और बाकी मैन मेड है। मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड, ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में है। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन कौन? मरकरी और ब्रोमीन। लिक्विड मेटल कौन है? मरकरी। लिक्विड नॉन मेटल कौन है? ब्रोमीन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे गैलियम, सीजियम बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। अगर क्वेश्चन होता है कि रूम टेम्परेचर पे कौन कौन से एलिमेंट लिक्विड हैं, तो मरकरी और ब्रोमीन, लेकिन रूम टेम्परेचर के अराउंड यानी रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो आपको सीजियम और गैलियम भी लिक्विड स्टेट में मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली रूम टेम्परेचर की बात करें तो मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी लिक्विड नॉन मेटल है और ब्रोमीन लिक्विड, सॉरी, मरकरी लिक्विड मेटल है और ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है, लेकिन दोनों ही एलिमेंट हो गए, मेटल भी एलिमेंट और नॉन मेटल भी एलिमेंट। तो अगर बोला लिक्विड एलिमेंट तो मरकरी और ब्रोमीन दोनों हो जाएंगे,
लेकिन अगर पूछ रहा है लिक्विड मेटल कौन है तो मरकरी, लिक्विड नॉन मेटल कौन है तो ब्रोमीन। रूम टेम्परेचर के अराउंड और कौन कौन से मेटल लिक्विड हो सकते हैं, तो गैलियम और सीजियम हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन मिलेगा, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा आगे पढ़ाएंगे हम टेम्परेचर को, तो गैलियम और सीजियम भी आपको लिक्विड स्टेट में मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम लोग क्वेश्चन भी लाएंगे। अब आ जाइए कंपाउंड्स पे। दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं केमिकल बॉन्ड के थ्रू, तो हम कंपाउंड कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जैसे वाटर, कहीं का भी पानी ले लो आप, तत्वों का अनुपात हमेशा 2:1 रहेगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहेंगे। तो बोलता है आप, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जब ये दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में एक दूसरे से रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़े हैं तो यौगिक कहलाएगा। जैसे HCl 1:1 है ना, 1:1, तो मिक्सचर और कंपाउंड्स ये सब तो पढ़ा ही दिया, ये दोबारा कुछ पढ़ाने की जरूरत है नहीं आपको कि मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, है ना। चलिए तो अब इसका एक समरी देख लेते हैं कि मैटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन स्टेट में मिलता है, दो स्टेट और मैंने बता रखा है। प्योर सब्सटेंस हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। प्योर सब्सटेंस में आपका आता है एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर में आता है आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी दो तरह का था, एक था आपका कोलोइड और दूसरा था आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन बस, तो इस चैप्टर में जो बातें इंपॉर्टेंट थी वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का, और टेंथ कंप्लीट, नाइन्थ कंप्लीट करने के बाद टेंथ एनसीईआरटी, फिर एलेवेंथ और फिर ट्वेल्थ। तो टेंथ में थोड़ा ज्यादा मजा आएगा आपको एनसीईआरटी पढ़ने में, क्योंकि नाइन्थ में कुछ बोरिंग टॉपिक्स हैं, टेक्निक्स, सेपरेशन टेक्निक्स वगैरह। और ये हमारे बैचेस हैं जो अभी चल रहे हैं, 16 अगस्त से इनका ये बैच आरंभ हो चुका है CDS के लिए और OTA के लिए। तो मिलते हैं अब कल 2 बजे थर्ड चैप्टर के साथ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।